द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 9 और द लास्ट ऑफ अस फिनाले। तो व्हाट्स अप बडीज, द लास्ट ऑफ अस सीरीज भी अब अपने इख्तिताम पर आ चुकी है, ये वाली सीरीज भी अब एंड हो चुकी है। इस वाली वीडियो में मैं द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 9 या इसके फिनाले का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ, इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हमें लास्ट ऑफ अस की क्या एंडिंग देखने को मिली, और यहाँ पर ब्रेकडाउन भी करूंगा। तो पूरे ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर पहले ब्रेकडाउन की तरफ है, तो हमें स्टार्टिंग में एक लेडी दिखाई जाती है और हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि कैसे यहाँ पर ये एली की मदर है, जिसका यहाँ पर नाम है एना। अब यहाँ पर ये जो एक्ट्रेस है जिन्होंने एना का कैरेक्टर प्ले किया, इनका यहाँ पर नाम है एशली जॉनसन, और यहाँ पर जिन्होंने वीडियो गेम इसकी खेली हुई है या देखी हुई है वो लोग इससे हो सकते हैं अच्छी तरह से वाकिफ हो। यहाँ पर एशली जॉनसन ने ही एली के कैरेक्टर को वॉइस दी थी इन लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और यहाँ पर मोशन कैप्चर के थ्रू इसको पोर्ट्रे भी किया था। मैं गेम की बात कर रहा हूँ, तो यस यहाँ पर जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर जिसने जोल की वॉइस दी थी वो हमें द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड नंबर 8 में देखने को मिला था, और यहाँ पे एशली जॉनसन जिसने एली को वॉइस दी है वो हम इस वाले एपिसोड में देखने को मिली है, जिन्होंने यहाँ पर जो है एली की मदर का करेक्टर प्ले किया। और यस यहाँ पर बाय द वे ये परफेक्ट कास्टिंग भी थी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप इनके गौर से देखेंगे यहाँ पर ये बिल्कुल एली की मदर लग भी रही है, इनकी फेस रिजेंबलेंस। यहाँ पर हमें हाउस भी दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, जब हम यहाँ देखते हैं कि जो एली की मदर एना होती है वो क्रीकर से छुपते छुपाते बचते जाते एक हाउस में जाती है, और अगर आप लोगों ने गेम में भी देखा होगा हमें बिल्कुल ऐसा ही हाउस देखने को मिला। तो यस यहाँ पर इन लोगों ने जो हाउस दिखाया ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें गेम में हाउस देखने को मिला था। यहाँ पर आगे जाके हम देखते हैं हमें जोल और एली देखने को मिलती है, जो कि वहां पर एक रोड पर खड़े हुए होते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। अब यहाँ पर आप इन दो साइंस पर ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर यह पता लग जाता है कि कैसे यहाँ पर एक साइन में लिखा है 80 वेस्ट और दूसरे में 15 नॉर्थ, और ये जो दो हाईवेज हैं ये यहाँ पर कन्वर्ज करते हैं साल्ट एक सिटी में जो कि उटा में है। और आप लोगों को पता होगा साल्ट एक सिटी वही है जहां पर इस टाइम ये दोनों जा रहे हैं, और यहां पर इनको फायरफ्लाइज मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग भी द लास्ट ऑफ अस की सीरीज देख रहे होंगे तो आप लोगों के ज़हन में भी एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यहां पर जोल और एली ने टोटल कितना सफर तय किया होगा, इन्होंने कितने माइल सफर तय किया होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने जो टोटल है 1500 से ज्यादा माइल जो है क्रॉस किए हैं इन सीजन 1, यस यानी कि एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 9 तक। यहां पर अगर मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट बताऊं तो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बोस्टन सिटी से एपिसोड नंबर 1 से, उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये मैसाचुसेट्स सिटी में एपिसोड नंबर 3 में हुए, कैंसस सिटी में एपिसोड नंबर 4 और 5 में हुए, कोडी वायोमिंग में हमें ये एपिसोड नंबर 6 में देखने को मिले, जैक्सन वायोमिंग में भी एपिसोड नंबर 6 में देखने को मिले थे, बोर्डर कोलोराडो में एपिसोड नंबर 6 की एंडिंग में ये वहां थे, और सिल्वर लेक कोलोराडो में एपिसोड नंबर 7 और 8 में वहां थे, और यहां पर साल्ट लेक सिटी जो कि उटा में है ये हमें एपिसोड नंबर 9 में वहां देखने को मिले। तो यस अगर आप लोग ये पूरे यूएसए का मैंने जो आप लोगों को बताया इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इन लोगों ने 1500 माइल से भी ज्यादा सफर तय किया है, यानी कि यूएसए के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। यहां पर हम इस वाले एपिसोड में सबसे जो मेन चीज पता लगती है स्टार्टिंग में, हमें यहां पर ये पूरा सीन दिखाया जाता है कि कैसे एली की मदर ने जब उसको वहां पर जन्म दिया था तो कैसे वहां पर एक क्रिकर ने उसको आके बाइट किया था। उसके बाद हम सीधा जाते हैं इस एपिसोड के लास्ट में, जब यहां पर मार्लिन जोर से ये कहते हैं कि यहां पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहां पर जो इसके कॉर्डिसेप्स हैं ये जब से ये पैदा हुई ये बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पर क्रिकर ज़ॉम्बीज़ को ये लगता होगा कि ये एक एन अदर कॉर्डिसेप्स, ये हम यहां पर रिजल्ट देखने को मिली है। अगर यहां पर मैं गेम की बात करूं, गेम में भी हमें तकरीबन ऐसा ही देखने को मिला था, मगर कोई हमें क्लियर इन लोगों ने रीजन नहीं बताया, वजह नहीं बताई कि यहां पर एली इम्यून इसी वजह से है या किसी और वजह से है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ऐसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि इसके जो फादर है उसको भी किसी ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, यहां पर उसकी भी एक थ्योरी आ रही है, मगर यस यहां पर हमें फिलहाल एपिसोड में तो यही दिखाया है। यहां पर इस वाले एपिसोड में हमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जो कि हम जब ये देखते हैं कि एली और जोल यहां पर एक जराफ के पास जाते हैं, और यहां पर अगर तो आप लोगों ने गेम खेली हुई होगी आप लोगों को भी ये वाला सीन काफी अच्छी तरह से याद होगा, जब हमें यहां पर एक जराफ वाला सीन देखने को मिलता है कि कैसे यहां पर ये दोनों जाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको वहां पर खाना भी खिलाते हैं। और यस ये वाला बिल्कुल इन लोगों ने सेम रेफरेंस जो है यहां से गेम से उठाया, गेम में इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही दिखाया था। और यहां पर अगर मैं बात करूं द लास्ट ऑफ अस के कोर एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6 में आई थिंक, हमें यहां पर जैक्सन सिटी में घर के अंदर कमरा जहां पे एली स्टे कर रही थी
उसमें यहाँ पर हमें एक जिराफ की तस्वीर भी देखने को मिल रही थी। तो यस, ये भी काफ़ी अच्छा इन लोगों ने रेफरेंस लिया है। यहाँ पर इस वाले एपिसोड में हमें एक और भी चीज़ देखने को मिलती है कि मोशनल मूवमेंट देखने को मिलता है। जब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि एपिसोड नंबर 4 या 3 में यहाँ पर जोल ने ये कहा था कि कैसे मुझे यहाँ पर एक निशान है, एक आदमी ने मुझे बुलेट से मारने की कोशिश की थी मगर वहाँ पर उससे मिस हो गई थी। तो इस वाले एपिसोड में वो ये बताता है वो आदमी था और कोई नहीं बल्कि मैं। यस, यहाँ पर उसके डॉटर सारा की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद कैसे उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी मगर इसमें वो नाकाम हो गया था। तो यहाँ पर एली जब उससे ये कहती है टाइम के साथ साथ कैसे जो वाउंड्स हैं वो भी हील होते रहते हैं, उसके जवाब में जोल ये कहता है कि मेरा जो वाउंड हील हुआ है वो टाइम के साथ नहीं हुआ। यस, यहाँ पर वो एक तरह से एली को कह रहा था कि कैसे अब जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो जो सारा की गमी थी वो अब यहाँ पर तुम पूरा कर रही हो। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर जब मारिन कहती है अपने साथियों से फाइल फ्राई से कि जाओ जोल को बाहर ले जाओ और यहाँ पर एक नाइफ भी देती है, ये जाते हो इसको नाइफ भी दे देना। तो यस, यहाँ पर अगर आप लोग भी सोच रहे होंगे ये उसने क्यों का नाइफ उसने क्यों दिया, तो ये वही नाइफ है जो कि हम इस बार एपिसोड की स्टार्टिंग में देखने को मिला था। ये वाला नाइफ यहाँ पर एली की मदर ने उसको दिया था मारिन को कि ये मेरी डॉटर को दे देना। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। और ये वाला नाइफ उसने इसलिए दिया क्योंकि हमें पता है कि इस अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता तो यहाँ पर कैसे एली की हो जानी थी डेथ। तो मारिन चाहती थी कि जोल के पास एली का कुछ तो रहे याद के लिए। यहाँ पर एक और भी अच्छा ईस्टर आ गया, हम इस वाले एपिसोड में जो दो नर्स देखने को मिली हैं उनमें से यहाँ पर एक नर्स है जिसको एक्ट्रेस ने प्ले किया है रोरा बेरी ने, और यहाँ पर ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने द लास्ट ऑफ अस के पार्ट 2 में यहाँ पर एबी का कैरेक्टर प्ले किया था। तो यस, यहाँ भी एक और अच्छी चीज़ है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है कि कैसे यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट भी दे रहे हैं, यानी कि जिन्होंने गेम में परफॉर्मेंस की थी, परफॉर्म किया था थ्रू मोशन कैप्चर, वो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर यूज़ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस वाले एपिसोड की एंडिंग में। इस वाले एपिसोड की एंडिंग में हम यही देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो जोल है वो यहाँ पर मारिन को मार देता है। वो यहाँ पर उसको इसलिए मारता है क्योंकि अगर वो उसको वहाँ पर ना मारता तो वहाँ पर वो फायर फ्राइज के साथ फिर दोबारा आ जाती इन द फ्यूचर। वो यहाँ पर एली को जो है अपने पास लेना चाहती ताकि हम इसका ऑपरेशन कर सकें और यहाँ पर इससे जो है वो क्योर बना सके। हम देखते हैं कि कैसे आगे जाके जब इनकी गाड़ी ख़राब होती है यहाँ पर कैसे पैदल चलते हैं और जो ये जैक्सन सिटी के पास पहुँचते हैं यहाँ पर एली से ये कहती है कि जो तुमने फायर फ्लाइज के हवाले से कहा क्या वो सच है या झूठ है। अब यहाँ पर जोल ने ये कहा था कि कैसे तुम्हारे जैसे काफ़ी ज़्यादा और भी ऐसे इम्यून हैं जो कि अगर जिनको ज़ोंबीज़ बाइट करें तो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता, मगर यहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्योर बनाने की कोशिश की मगर वो इसमें कामयाब ऐसे नहीं हो रहे थे। तो अब कैसे ये लोग जो है इस चीज़ का क्योर बनाना छोड़ दिया है, अब वो यहाँ पर किसी भी मेडिसिन या क्योर की तरफ नहीं जा रहे, ये यहाँ पर जोल ने कहा था। तो जब एली उसे पूछती है क्या ये बात सच है या नहीं तो इसके जवाब में जोल यही कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है। अब यहाँ पर अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये जोल ने बिल्कुल सही बोला या झूठ बोला है तो ये वाली बात बिल्कुल झूठ थी और एली को ये अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जोल ने मेरे सामने झूठ बोला है, मगर उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर आप लोगों ने भी वाला एपिसोड देखा होगा अब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट का बॉन्ड जो है बिल्डअप हो चुका है इन दोनों के दरमियान। यहाँ पर एली को पता है कि इसने मेरे से झूठ बोला है मगर फिर भी वो इस झूठ में भी वो कहती है ना कि उसको पता है ये मेरी भलाई के लिए ही झूठ बोला है, यहाँ पर ये मुझे नहीं नुकसान पहुँचाते हुए देखना चाहता, ये मुझे ऐसा अपनी डॉटर देखना चाहता है। तो यस, ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिली थी कि कैसे यहाँ पर एली को पता है इसने मेरे से झूठ बोला है, ये हम इस एपिसोड की एंडिंग में देखने को मिला था। और इस एपिसोड की एंडिंग बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हमें गेम की एंडिंग देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और मास्टरपीस एंडिंग देखने को मिली थी। तो यस, ये हमें पूरा ओवरऑल सीज़न 1 देखने को मिला था। मैं अगली वीडियो में पूरे सीज़न 1 का ओवरऑल रिव्यू भी लेके आऊँगा कि इसका सीज़न 1 कैसा था। ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।